जो ये अब सी पैक के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो एक इकोनॉमिक लिंकेज बन रहा है, जो एक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी पैदा हो रही है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन मुस्तफ़ीद हो बल्कि उससे पूरा इलाका, पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद हो, स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो लैंड लॉक्ड हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुँचे, अफ़गानिस्तान को भी यकीनन इसका फ़ायदा पहुँच सकता है और पहुँचेगा। तो ऑब्वियसली हमने इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल किया है और हमने रीजनल सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल किया। सर, आज जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात है दुनिया कारोबारी हज़रात से और यहाँ पे बिजनेसमैन को कुछ कंसर्न भी रहते हैं, तो यकीन वज़ीर-ए-आज़म ने हमने इस हवाले से जटीन ध्यान भी कराई होगी, तो ऐसे कौन से इकदाम हैं जो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजनेसमैन को पाकिस्तान टारगेट करने के लिए? देखिए, पहली तो बात यह है कि हम इस किस्म के कंडीशंस देना चाहते हैं जिससे कि उनके लिए पाकिस्तान आना अट्रैक्टिव हो, नंबर एक। नंबर दो, हम उन्हें पूरी सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाल्लाह वो आते हैं, उनकी जान भी, उनके कारीगर भी और उनका माल भी महफूज होगा, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टेड होंगी, उनके जो इंजीनियर्स हैं, जो उनके वहाँ लोग काम करने वाले पर्सनल होंगे, उनकी सिक्योरिटी भी हम लाजिम है और उसके लिए हमने बाकायदा बंदोबस्त किए हैं, हमने एक स्पेशल डिवीज़न रेज किया है उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने उनसे शेयर की हैं, तो उससे एतमाद में इजाफा होता है और जो इंसेंटिव्स हैं उस पर भी हमने बात की है कि हम ये दे रहे हैं और मज़ीद बताएँ हम क्या कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करें। मैं समझता हूं कि सुबह की नशस्त अच्छी रही, उनको हमने इनक्रेज किया, सी पैक के लिहाज से हमने उनको खुशखबरी दी कि हमने एक नई सी पैक अथॉरिटी कायम कर ली है और उस अथॉरिटी को कायम करने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ जो मंसूबे थे वो मुख्तलिफ महकमों में उन पर काम हो रहा होता था और लोग साइलोज में काम कर रहे होते थे, कई दफ़ा ताखीर हो जाती थी। तो अब जब ये एक अथॉरिटी होगी उसका और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बेस्ड होगी, उसका एक फोकल पर्सन होगा, तो उसमें जहाँ काम में रुकावट आती है तो उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उसका हल तलाश कर लिया जाएगा। तो उससे मैं समझता हूं कि जो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो पहले से ज्यादा तेज हो जाएगा। आपको बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। असल में आपने अपने स्टेटमेंट में इतने स्पष्ट तरीके से सारी चीजें बता दी कि चलो, थैंक यू जी, थैंक्स। वजीर खारिजा